सीतापुर में रविवार को फर्द रेंस लाइब्रेरी की तीसरी शाखा की शुरुआत हो गई। नगर विकास राज्य मंत्री व सदर विधायक राकेश राठौर गुरु ने फीता काट कर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री श्री राठौर ने बताया कि पूर्व की भांति ये संस्थान विद्यार्थियों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। आज पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल से शुरू से जो है आपका ये हमारी लाइब्रेरी का प्रचार बढ़े, माननीय हमारे प्रधानमंत्री का एक संदेश भी है कि युवा पीढ़ी को सीखे, युवा पीढ़ी सीखे वन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट और वो और आत्मनिर्भर बच्चे, देखो तीन बच्चे हैं, क्या नाम शिवम गुप्ता भैया पांडे जी और एक हमारी भैया अवस्थी वाजपेयी जी। अब जब युवा पीढ़ी है, सब युवा पीढ़ी और युवा पीढ़ी को तैयार करेगी तभी यही है कि सीतापुर का हमारा विकास होगा, पूरे सीतापुर का विकास होगा, उत्तर प्रदेश में विकास होगा, उत्तर प्रदेश होगा तो भारत देश का। संस्थान के प्रबंधक धर्मेंद्र वाजपेयी ने कहा कि हम विद्यार्थियों की हर संभव मदद करते हैं, ये हमारी तीसरी शाखा है। इससे पहले हमारी शाखाएं शहर के प्रेम नगर व चुंगी चौकी पर संचालित हैं। हम विद्यार्थियों से आंशिक शुल्क के बदले पढ़ाई के लिए एक शानदार माहौल, एयर कंडीशन वातावरण, फ्री वाईफाई, चार्जिंग सुविधा, बेहतर लाइटिंग उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ विद्यार्थियों को कंपिटेटिव करंट अफेयर्स मैगजीन व न्यूज़पेपर की भी उपलब्ध कराया जाता है। आइडिया से बात करते हुए प्रबंधक शिवम गुप्ता कहते हैं कि हमारे यहाँ पढ़े हुए अनेक बच्चे PCS, SSC, CGL समेत अनेक एग्जाम में सफल हुए हैं। इस अवसर पर प्रबंधक प्रशांत पांडे, ललित अवस्थी, धीरेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। धर्मेंद्र जी, ये जो लाइब्रेरी आपने खोली है इसमें आप विद्यार्थियों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं? इसमें हम विद्यार्थियों की सुविधाओं में हम प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट देंगे, हर एक केबिन पे, हर एक सीट पे इनका पर्सनल चार्जिंग सॉकेट रहेगा, पर्सनल लाइट रहेगी। इसके अलावा हम न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराएंगे, चार न्यूज़पेपर हैं, उसमें दो इंग्लिश के हैं, दो हिंदी के हैं, और मंथली मैगजीन रहेगी, अनलिमिटेड वाईफाई रहेगा, RO का वाटर रहेगा, और प्रॉपर बिल्कुल साइलेंस जोन में बच्चे अपना पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल साइलेंस जोन प्रोवाइड रहेगा यहाँ पे। कब से ये लाइब्रेरी का काम कंडीशन रहेगा? कब से आप लाइब्रेरी कल से स्टार्ट है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो लाइब्रेरी है इसको आप विगत कितने वर्षों से चला रहे हैं? विगत एक वर्ष से इसको हम क्या कुछ सिलेक्शन वगैरह भी हुए हैं? जी, हमारे यहाँ से एक PCS ऑफिसर सिलेक्ट हुआ है और UPSC के कई लोगों के मेंस निकले हैं, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या तुम नाम आपका? धर्मेंद्र वाजपेयी। दर्शकों के प्यार से बनी बात मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ, कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।